आज उन सारे बच्चों के बारे में जो कल संडे 29 जुलाई को एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। ये एग्ज़ाम एकदम बहुत ही जल्दी प्लान किया गया। जब भी एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम की जो घड़ी होती है, एग्ज़ाम के पहले का जो सन्नाटा है, एग्ज़ाम के पहले जो एक अजीब सा मन में उलझन सी रहती है, वो नेचुरल सी बात है, वो सबके साथ होती है। चाहे वो सीता माता ही क्यों ना हो, परीक्षा की घड़ी सबके लिए परेशानी, एक टेंशन, एक दबाव क्रिएट करती है कि आगे हमें क्या मिलने वाला है। जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं तो उनके साथ उनके जो मेंटर्स होते हैं उनका भी एक तरीके से मूल्यांकन ही होने वाला होता है। तो आप अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्रेस करने वाले हैं, वो भी आपके साथ चिंतित रहते हैं, आपके साथ हैं। तो जो भी आपके विल विशर्स हैं, उनकी विशेस, उनकी ब्लेसिंग्स, किसी ने कहा है कि अगर जब तक ये आपकी ब्लेसिंग्स, भगवान का साथ, ये सब नहीं होगा तब तक आप बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट्स रहे हैं, आपने निरंतर प्रयास किया है, तो अपने आप में भरोसा रखिए। भीड़ को मत ध्यान दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे, बहुत सारे लोग जिन्होंने फॉर्म भरा वो वहाँ के लिए फाइटर्स नहीं हैं, वो भीड़ है। आप अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट होके, संयमित रहो के, परीक्षा के बाद का एक मूल्यांकन करके कि परीक्षा का पेपर जब देखे आएंगे, रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट से, एक अच्छा रिजल्ट आएगा, उससे हमें क्या मिलने वाला है। और वो रिजल्ट, वो रैंक, वो अचीवमेंट इसी घड़ी को फेस करने के बाद ही मिलेगा। तो आप मन में विचार रखें, एक मन में एक टारगेट रखें, फोकस रहें कि ये घड़ी को हमें फेस करना है और अच्छे से फेस करना है, इस डर के आगे ही जाना है। तो आप कोई भी ऐसी गड़बड़ जो आपको निगेटिविटी की ओर आप पूरा 100% देने वाले हैं वो ना दे पाए, कोई भी ऐसी, रिलैक्स, बिल्कुल एक आराम से, आत्म भरोसे के साथ, विश्वास के साथ, आपके साथ सारा जो आपके फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, जो आपके भगवान हैं, जिनको आप मानते हैं, रेगुलरली आपने काम किया है तो आपका बहुत ही अच्छा होगा। मेरी तरफ से, अगर आप, मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ब्लेसिंग से, माहौला क्लासेस की ब्लेसिंग से आप बहुत ऊंचाइयों पर जा सकते हैं। तो बेशक हम आपके साथ हैं। इसी के साथ आप अच्छा करें और अच्छा करेंगे।